ना, आप पहले सोमनाथ डिबेट इज जाते हैं, वेलकम। काशी जाते हैं, और फिर सम्राट नहीं, ये जब मैं गया हूँ, यहाँ गया हूँ, एक सेकंड, क्या हो गया? हाँ, जब मैं गया हूँ, इट इज रिलेटेड टू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इट इज काशी इज रिलेटेड टू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इट इज नॉट जस्ट ऐसे ही मैं चला गया था। एंड आई हैव नॉट गॉन फॉर रिलीजियस रीजन, आई हैव गॉन फॉर द कल्चरल थिंग। आई हैव गॉन फॉर टू टेल पीपल दैट दिस इज आवर कल्चर एंड वाई इट इज असेंशियल। मैं क्या, हर फिल्म में ऐसा नहीं है कि इट इज बिकॉज आई बिलीव इन इन बिकॉज ही एक्सप्लेन मी वाई सम्राट पृथ्वीराज चौहान एंड काशी एंड सोमनाथ इज जॉइंट रिलेवेंट टू इंडियन हिस्ट्री। सो इट इज नथिंग गॉट आई हैव गॉन देयर एंड आई हैव पेड माई रिस्पेक्ट। आई हैव नॉट गॉन देयर टू आस्क कि मेरी फिल्म चला देना। पर वो भी मांगने में कोई नहीं, आपत्ति को नहीं। सुमिता, हम लोग बड़े स्पष्ट थे जी, क्योंकि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हिंदू नेशनलिज्म, मैं उसको कल्चरल नेशनलिज्म भी कहता हूँ। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रिवाइवल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म, बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ दिस नेशन इज हिंदू, एंड व्हेन आई से हिंदू इट मीन्स कल्चर। हैविंग सेड दिस, व्हाई डिड वी गो टू सोमनाथ और वाराणसी? Now, as we know that the cultural capital or the spiritual capital of India is Varanasi. So, इस देश में जहाँ कभी भी प्रेरणा, और गंगा और हिमालय ये हमारे इतिहास के साक्षी हैं, ये भावना की बात है। गंगा ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम सब की भावना है कि ये वो धारा बहती आ रही है जिसने इस इतिहास को देखा है। और मैं, चूँकि इस देश में बहुत डिबेट चल रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि लोगों को याद दिलाया जाए कि भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर को पहली बार जिसने तोड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? जो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, वो हमारी फिल्म में भी है, तो एक रिलेशन वो भी था। दूसरा, सोमनाथ गए, सोमनाथ का भी रेफरेंस हमारी फिल्म में आता है, आप देखेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आज शाम को देखिए, आज देखेंगे। और सोमनाथ को कई बार तोड़ा गया, और इस देश के सामने ये प्रश्न था कि जिसका ध्वंस कर दिया गया उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, सरदार पटेल, के एम मुंशी, मेनन साहब, इन सब ने मिलकर तय किया, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नेहरू जी इसके विरोध में थे, उन्होंने कहा कि हमारी आस्था ऊर्जा का केंद्र भगवान सोमनाथ हैं। और सिर्फ भगवान सोमनाथ, मतलब ये हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात है। भारत जो लगभग 1500 से ज़्यादा वर्षों से, 1192 के बाद मैं कहता हूँ कि जो गुलाम रहा, जिस पे कई प्रकार के अत्याचार हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, सब कुछ इस समाज ने सहा, आज आज़ाद देश में हमारे पास एक अवसर है कि हम उस संस्कृति का घोष वापस करें। और उसका प्रतीक बना भगवान सोमनाथ का मंदिर, जिसे 1948 से शुरू किया गया। तो मैं कई बार कहता हूँ कि अपने ही मंदिरों का पुनर्निर्माण करना, जीर्णोद्धार करना कोई गलत बात है, क्योंकि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो हमारी आस्था का केंद्र, सेंटर ऑफ आवर कल्चर।